तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो बात करेंगे जीएस पे, नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, और सभी के लिए सिरदर्द है नहीं। और वैसे तो मैंने जीएस पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं, पर आज एक थोड़ा सा बड़ी पिक्चर आपके सामने रखूँगा और सबको समझाने का प्रयास करूँगा कैसे कैसे पेपर में पूछे जाते हैं और जीएस यूपीएसआई का अलग क्यों है दूसरे से, है नहीं भाई। इन सब चीज़ों को जो मैं लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ, 90 डेज की स्ट्रेटजी, फिर हिंदी का वीडियो आपको दिया, फिर मैंने जीएस का वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब किस लिए हो रहा भाई साहब, कि आपकी स्टडी इम्प्रूव हो पाए, है नहीं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चलिए, जो प्लान बना रहा हो उसको आप फॉलो कर लीजिए भाई साहब, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, है नहीं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसमें कोई जरूरत नहीं। पर केवल देखने से काम नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। 90% लोग अप्लाई नहीं करते, केवल 10% लोग अप्लाई करते हैं, वही सक्सेस लेते हैं। और जाहिर सी बात है यार, 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है, होना तो बस कुछ ही परसेंट का है। तो आप डिसाइड करिए आप किस परसेंट में, ठीक है। यूपीएसआई खेल है बड़ा, होना भी चाहिए। 90 डेज की स्टडी चल रही है, जीएस की बात करेंगे, हॉलिस्टिक वे थोड़ा सा देखेंगे कितना पोर्शन है, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जीएस 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स और कोई माइनस मार्किंग नहीं। जो इसका वेरिएशन है वो कहाँ कहाँ बढ़ता है भाई साहब, पहले समझते हैं, ठीक है। मैं तीन पहले बांटूँगा, तीन पे। नंबर एक पॉलिटी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा कवर करने वाला। दूसरा मूल विधि, काफ़ी वर्स्ट है, बहुत सारा है। और तीसरा है इकोनॉमिक्स, जो पुराना ट्रेंड देखा गया है। और फिर अदर में जाएंगे तो इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, हैं स्टैटिक जीके है, ठीक है, जीके भाई साहब, और करंट अफेयर भी भाई साहब। कहा जाता है कुछ कुछ सेटों में करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी देखेंगे, ये एक पोर्शन है। आप समझते, थोड़ा सा मैं पिक्चर को और क्लियर करूँगा। जीएस में कहते हैं स्कोर करना मुश्किल है, यानी मुश्किल ही नहीं मतलब नामुमकिन जैसा होता है ना, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना। पर यदि आप इस सब्जेक्टों को यदि थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली ये 25+ करेंगे, और 25+ जीएस में गुड स्कोर होता है। मैं यदि कहूँ, यदि इस बार पेपर सरल नहीं आया तो 25 गुड स्कोर होगा। अब ये स्कोर होगा कैसे, देखो पॉलिटी जो पिछली बार का ट्रेंड रहा है वो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन में बोल सकता हूँ, किसी किसी सेट में 17 क्वेश्चन भी रहे। मूल विधि का जो ट्रेंड रहा है वो 4 से 5 क्वेश्चन का रहा है, यही ट्रेंड चला है। और जो इकोनॉमिक्स के हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन रहे। तो टोटल यदि मैं यहाँ से ऐड कर लूँ तो यदि 15 ले लूँ, 4 ले लूँ, 19 और 4, यहाँ पर 19 और 3 22, तो यदि मैं ओवरऑल ले लूँ तो 23 क्वेश्चन में ले सकता हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे घट भी सकता है, है नहीं। 23 नंबर मतलब ऑलमोस्ट 60% पूरा एग्ज़ाम का, 60% यानी जीएस में 60% तो यहीं से आ रहा है, 60% ये कवर कर ले रहा है, है 60% ना बोलो तो 59% बोल दूँ। बाकी पोर्शन क्या कवर कर रहा है, ये यहाँ पर 40% अभी बोलूँ 41%, थोड़ा सा मतलब बच्चे फिर कहते हैं अरे सर आपने परसेंटेज गलत निकाला है नहीं, तो थोड़ा सा मतलब मार्जिन लेके चलना होता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्स में। अब 41% पोर्शन ये कवर कर रहा, जिसमें से सबसे बड़ा पोर्शन है वो है करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर मिक्स होगा इकोनॉमिक्स के साथ। ध्यान समझना भाई साहब, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान समझना कि करंट अफेयर इसमें आता है, पर ये आधे से ज़्यादा कुछ इम्प्रूव यानी इसके साथ भी कनेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर आ जाए तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का नहीं है, दोनों मिक्स क्वेश्चन और ऐसे बनेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मूल विधि और पॉलिटी को मिक्स करके बनाए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक रूप है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ यदि आप ये 23 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आप अंदर हैं, क्योंकि 14 नंबर इस बार पासिंग है ना, 14 क्वेश्चन इस बार क्या है, पासिंग है।
पॉलिटी आप मेरे सब्जेक्ट से हैं यानी मेरे चैनल से आप कवर कर सकते हैं, लगभग 54 वीडियो मैंने पॉलिटी पे बनाए हैं, ठीक है, अब वहाँ से कवर कर लीजिए। मूल विधि भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लगभग 20 22 25 वीडियो मूल विधि पे आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स पे भी मैंने कुछ फंडामेंटल कुछ दिए हैं, ठीक है, बाकी आप चाहें तो कहीं और से पढ़ सकते हो, उसमें कोई उदाहरण नहीं। मैंने कोर्स भी लॉन्च किया था जिसमें इन्हीं सब्जेक्ट पर मैंने फोकस किया था, वर्दी बैच था वो, ठीक है, और जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, पिछले बैच में भी इस बैच में भी, ठीक है। चलिए तो ये हो गए पॉलिटी, मूल विधि, इकोनॉमिक्स विधि, आप इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। कुछ लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बोलते हैं, भाई साहब लक्ष्मीकांत भाई साहब वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है, लक्ष्मीकांत को आप 3 महीने से पहले ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है, और एक बार से पढ़ने से होगा नहीं, लगभग 5 से 6 बार यदि आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी भाषा में ही कन्फ्यूज़ रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग परीक्षावाणी के क्वेश्चंस से करते हैं कि भाई सर क्वेश्चन कर लूँ तो क्या काम हो जाएगा, 100 200 1000 2000 क्वेश्चन कर लूँ क्या होगा, नहीं होगा भाई, समझिए मेरी बात। क्वेश्चन आपको केवल वो आईना दिखाता है जो उसने देखा है, थ्योरी आपको वो आईना दिखाती है जो क्वेश्चन ने आईना नहीं देखा है, यानी थ्योरी आपको पूरा समझाती है और क्वेश्चन तो एक लिमिटेड चीज़ ही आपको बताएगा, और यदि मान लो थोड़ा सा अलग आपसे पूछ लिया तब तो आप फंस जाएंगे। इसी प्रकार जो मूल विधि है, मूल विधि लोग सोचते हैं धारा पे बहुत फोकस करते हैं, रट्टा मार रहे धारा, भाई सब धारा नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट और पूछी जाएंगी तो ऐसी धारा पूछी जाएंगी जो 90% लोगों को पता होंगी, और वो 90% लोग सही करके भी आएंगे, 10% लोग वो कवर करेंगे भाई साहब जो उसकी आत्मा बोल रही होगी, नहीं जैसे एक संविधान की आत्मा नहीं होती, उसी प्रकार मूल विधि की भी एक आत्मा होती है जो आपसे बात करेगी, जब आप पढ़ेंगे आपको समझाएगी, बस वही समझाना होता है, क्वेश्चन वहीं से निकलता है, ठीक है, जो आपको समझ में आए। तो आप रटने का प्रयास ना करें कि क्वेश्चन कर ले रट ले काम हो जाएगा, आपको थ्योरी को एनालाइज करना है कि किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में क्या वो बोलने का प्रयास कर रहा हो, इस पर बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करना इतना आसान नहीं होता है, पर जिस तरह से देखा जाए तो वो करंट ओरिएंटेड आपसे पूछता है, थ्योरी आपसे परिभाषा भाषा नहीं पूछेगा, बहुत बच्चे सो रहे सी आर ये क्या बोलते हैं ये परिभाषा याद कर ले, बैंक रेपो रेट बैंक रेट ये सब याद कर ले तो हो जाएगा, भाई साहब ये सब बच्चों वाला नहीं आता, क्वेश्चन लाइनों में बनते हैं, जैसे PCS क्वेश्चन पूछता है वैसे क्वेश्चन बनाते हैं लोग, ठीक है। तो आप रट्टा मार के जा रहे स्ट्रेटेजी के टाइप का, तो भाई साहब आपका भला नहीं होने वाला, ठीक, बात समझिए। मैं थोड़ा सा कठोर हो रहा हूँ इस टॉपिक में, क्योंकि रीजन क्या है भाई साहब, ये आपकी फ्यूचर का सवाल है, 2 स्टार का सवाल है, ठीक है, तो थोड़ा कठोर होना पड़ रहा है। तो करना कैसे है पॉलिटी को, देखो पॉलिटी को मैंने कवर किया है बहुत सारे बुक्स का मिक्सर बनाकर, उसको कवर किया, आप उससे कर सकते हैं, बाकी आपको कोई बढ़िया कवर कर रहे हो जिसने अच्छे से पढ़ा है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा समय ना लिया हो कि मतलब एक टॉपिक पढ़ा रहा 1.5 घंटा उस पर लगा दिया, वो नहीं, एक टॉपिक 15 मिनट में 20 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, यदि हम सामने से बात ना करें तो आराम से ख़त्म किया जा सकता है, मैंने ख़त्म किए हैं तो आप उसको करिए। मूल विधि आप एक बार बेसिक पूरी जो लॉ है उसको जरूर पढ़ के जाइए, नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल जो अच्छा कोई यूट्यूब चैनल हो उससे फाउंडेशन तैयार करके फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन उसके कर सकते हैं, ज़्यादा प्रयास मत करिएगा क्योंकि आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो करेंगे कहाँ से, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस स्ट्रेटेजी के, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे पर इक्का दुक्का तो बन ही जाएंगे ना। और करंट अफेयर से यदि मान लो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर भी बना लेते हो और एक क्वेश्चन यदि हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन आता है, यदि एक क्वेश्चन का ट्राई करते हो और अंधी मार देते हो यदि वो सेट हो जाता तो यहाँ से निकल सकते हैं। साइंस में यदि आप साइंस बैकग्राउंड से तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। यदि इस तरह से करेंगे तो आप 30 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, ये हमारी प्लानिंग हो सकती है। इसके लिए क्या पढ़े, इसके लिए एक बुक आती है लूसेंट, आप उसको पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पर्टिकुलर मत पढ़ना क्योंकि बहुत समय लगता है भाई साहब, यदि मैं ही ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करूँगा तो 1.5 महीना लग जाएगा इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करने में, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर जितनी झीलें दुनियादारी बहुत कुछ है यार ज्योग्राफी में भी। इसी प्रकार हिस्ट्री में भी मिडिवल मॉडर्न और एक और पोर्शन है एशियंट, यदि तीनों कवर करो, तीनों से क्वेश्चन आते हैं तो आप यदि तीनों को कवर करो 1.5 2 महीना उसमें लग जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकते, इसलिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ
जहाँ पर भी आपको परीक्षा वाणी या फिर कोई और बुक है, जैसे घटना चक्र है, बहुत सारी बुकें निकालती है क्वेश्चन, आप उससे यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन नहीं पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन वेरिएशन, एक एक क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, आप उससे कवर। करंट अफेयर के लिए पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट आप फॉलो करिए अच्छे से, उसको रेगुलर फॉलो करिए, हो सके तो न्यूज़पेपर फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यदि आप उसको कवर कर लेते काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा आपको क्या करना है, इन सब के अलावा आपको टेस्ट देना है, ठीक है। जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति जीएस का टेस्ट करा रहा है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, वेबसाइट हो, ऐप हो, कुछ भी हो, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, पर लेवल देख के, है नहीं, बहुत लोग ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के हीरो बन रहे हैं, है नहीं, तो लेवल देख करके आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए। यदि आप